हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आखिरकार वतन वापस आ गए, लेकिन वतन वापसी पे उन्होंने इंतहाई सख्त पैगाम दिए। किसको सबसे पहले प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज जब वतन वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया, उनका तैयारा तो 2007 के कुछ मनासिर नजरों के सामने घूम गए। 2007 में जब खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट आए थे, तो इसी तरह से उन्हें तैयारे से उतरने से पहले ही गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके जिद्दा भिजवा दिया गया था। और आज ठीक 10 साल के बाद जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे थे, तो तवक्को और खदशात ये जाहिर किए जा रहे थे कि नैब की टीम, जिसने कल खास तौर पे रसाई की एयरपोर्ट तक इजाजत हासिल की थी, शायद वो नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर ले। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा ना हुआ। नैब की टीम ने ना तो उसको रसाई मिली एयरपोर्ट तक और ना ही उसने नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, क्योंकि डीजी नैब की तरफ से अहकाम जारी हो गए थे कि एयरपोर्ट के अंदर नैब की टीम नहीं जाएगी। उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी के समन थे उनकी तामील पंजाब हाउस जाके करवाई गई, और वो किस तरह से करवाई गई वो भी एक अलग कहानी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब आज वतन वापस आए तो तवक्कात के मुताबिक उनका रवैया काफी जारहाना था। अलबत्ता लहजा उनका मध्यम और नरम था, लेकिन इस जारहाना रवैये के साथ उन्होंने बहुत सख्त पैगाम दिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, -1 या +2 पर किसी हवाले से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि उसूली फैसले करने का वक्त आ गया है और जो उसूल उन पर लागू होंगे वही उसूल सब पर लागू होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसूलों पर खड़े हैं और देखते हैं कि उन्हें उसूलों से कौन हटाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज वतन वापसी पर क्या कहा, जरा सुनिएगा एक झलक। माइनस और प्लस जो है ना, ये आवाम के फैसले होते हैं, ये किसी इंडिविजुअल के फैसले नहीं होते या किसी और के फैसले नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान के आवाम -1 और -1 और +1 का फैसला कर सकते हैं। जो नैब के अंदर जो केस है ये इंतहाई बोगस केस है, झूठा केस है। क्यों हर 10 साल के बाद मैं मुल्क छोड़ दूँ भाई? क्यों मुल्क छोड़ दूँ? और मैं इस वक्त क्यों मुल्क छोड़ दूँ? आखिर मैंने क्या किया है? वतन वापस आने से पहले नवाज शरीफ साहब क्या कुछ बातें कह रहे थे वो ये कर रहे थे। उधर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, जो कि आज NA-120 के एक बार फिर से दौरे पर थी, उन्होंने भी काफी जारहाना बातें की। उनका क्या कहना था जरा वो सुन लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इंसाफ देना या ना देना तनकीद या अदम तनकीद से मशरूत है। आप तनकीद करेंगे तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा। हमारे लिए इंसाफ का ये मेयार है। इक्तदार से बाहर रखना किसी इंसान के बस का नहीं है, ये तो एक तो अल्लाह ताला के फैसले और उसके बाद ये पाकिस्तान के अवाम के फैसले। इन जारहाना किस्म की बातों के साथ साथ आज की अपडेट एहतसाब अदालत से यह है कि हसन और हुसैन नवाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनकी जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं आज नैब ने LDA के जरिए। और तमाम तर जितनी भी जायदादें पाकिस्तान में हैं उस हवाले से, खासतौर पर पंजाब में जो है, लाहौर में जो है, उनकी तफसीलात मांगी हैं। उधर इसाक डार साहब की जो असासे मुंजमद होने थे उनकी एहतसाब अदालत ने तौसीक कर दी है। ये सब तो वो नेगेटिव चीजें थी जो कि शरीफ फैमिली के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ आज के वकूए में जाती हैं। नवाज शरीफ साहब के जारहाना रवैये और उनके सख्त बयानात, सख्त पैगामात जो कि न जाने किसकी तरफ टारगेटेड थे, इन सब के बावजूद
आज एक अच्छी रिलीफ की खबर शरीफ फैमिली के लिए, नून लीग के लिए यह थी कि नवाज शरीफ साहब ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे रखी थी कि उनके तीनों रेफरेंसेस को यकजा करके सुना जाए, उनकी ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है और एहतसाब अदालत ने जो प्ली ली थी कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा नहीं किया जा सकता, एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। 19 अक्टूबर का फैसला था और अब नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त के तीनों रेफरेंसेस को इकट्ठा करके सुना जाए उसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने। यह बहुत बड़ी, बहुत अहम और बहुत पेचीदा कानूनी नुक्ते पर मबनी डेवलपमेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पर जो दो फर्द जुर्म आयद हुई हैं वो दो मुख्तलिफ रेफरेंसेज में आयद हुई हैं। अगर तीनों रेफरेंसेज को इकट्ठा कर दिया जाता है तो फिर फर्द जुर्म का मुस्तकबिल क्या होगा, खासतौर पर एक ऐसे मौके पर डेवलपमेंट सामने आई है जब कल नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत के सामने अपनी फर्द जुर्म के सिलसिले में पेश भी होना है। वहां जाके उनके वकला प्ली क्या लेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शरीफ फैमिली की, नून लीग की आइंदा की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये वो सब अहम हल तलब जवाब तलब सवालात हैं जो कि हम उठाएंगे तर्जुमान जो कि साबिक वजीर आजम के भी और अब मौजूदा वजीर आजम के भी तरह हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे इस्लामाबाद से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। रिलीफ मिला है शरीफ फैमिली को एक काफी बड़ा, बावजूद इसके रवैया काफी जारहाना था, नवाज शरीफ साहब ने बहुत जारहाना बातें भी की, कहा कि डिक्टेशन नहीं लेंगे, उसूली फैसलों का वक्त आ गया है, लेकिन उसके बावजूद रिलीफ तो मिला है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है कि तमाम रेफरेंसेज को यकजा कर दिया जाए, तो अब कल का लीगल स्टेटस क्या होगा, कल फर्दे जुर्म का सामना किस तरह करेंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए तौर पे तो जो कानूनी माहिरीन है वो फैसला करेंगे कि उन्हें क्या करना है, लेकिन अभी तक जो हमें बात समझ आई है वो ये है कि जो पुराने जो चार्जेस फ्रेम किए गए थे वो दोबारा से फ्रेम किए जाएंगे और एक ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कानून के अंदर एक गुंजाइश होती है कि अगर आप पे एक इल्ज़ाम लगे तो दो मरतबा या तीन मरतबा या पांच मरतबा एक ही इल्ज़ाम के ऊपर आपका ट्रायल नहीं किया जा सकता, और यही वो मौक़िफ़ है जो आज अदालत में पेश किया गया इस्लामाबाद में। और दूसरी तरफ से जवाब ये आया कि हमें इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट की कि तीन मुख्तलिफ इस्तगासे जो हैं वो दायर किए जाएँ, तो उससे जो आज हाई कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है उससे लगता ऐसे है कानूनी तौर पे कि उन्होंने ये कहा है ज़ेली अदालत को कि आप एक इंडिपेंडेंट अदालत हैं, आपके पास मुकदमात भेजे गए हैं, आपने उनको आईन और कानून की मुताबिकत से चलना है। जो पहला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हद तक है, उन्होंने अपना फैसला दे दिया और आपके पास केस भेज दिया, अब आप तमाम आइनी और कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इसे आगे लेकर चलें। यही हमारी अभी तक जो इस्तदा भी रही है और एक तरह से शिकायत भी रही है कि हम ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं इंडिपेंडेंटली नहीं हो रही। तो अभी आपने देख लिया कि आज भी हमारी इस्तदा यही थी कि इंडिपेंडेंटली नैप को नैप के कवानीन के मुताबिक चलने दें। नैप का तरीका कार ये कहता है कि पहले शिकायत होती है, शिकायत के बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद इस्तगासा दायर किया जाता है, और हर स्टेप के ऊपर नैप का चेयरमैन जो है वो फैसला करता है कि क्या इतने शवाहिद हैं कि इसको इंक्वायरी से ले जाया जाए इन्वेस्टिगेशन में या शिकायत से ले जाया जाए इंक्वायरी में। तो ये तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। एक और जो हमारी दरख्वास्त अदालत से पहले रही है वो ये रही है कि आप मसावी इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करें, यानी जिस चीज़ को आप, वो क्या था मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो वॉल्यूम 10 था शायद, वॉल्यूम 10 जो है वो अगर जो लोग इस्तगासा के वकील हैं उनके पास तो वॉल्यूम 10 है, मगर जो दिफा के वकील हैं उनके पास वॉल्यूम 10 नहीं है। इसी तरह वो तमाम शहादतें 6-6, 8-8 घंटे की जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर लोगों की शहादतें ली गई थी वो शहादतें इस्तगासा के पास तो हैं मगर दिफा के पास नहीं। सब तमाम ग्रीवेंसीज आपके एक तरफ, जितने भी ग्रीवेंसीज रहे हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जारहाना रवैया आज वापसी पर और इससे पहले भी जिस तरह से रहा है, इन सब के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ तो मिला है ना आपको, और यही बात चौधरी निसार साहब भी कहते रहे हैं कि रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। लेकिन देखिए आप जारहाना रवैया किस चीज को कहती हैं? अगर कोई आईन की बालादस्ती की बात करे तो क्या ये जारहाना रवैया है? अगर कोई ऐसे झोल किसी फैसले में जाहिर किए जाएं जो 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 आईन की कैद में नहीं आते या जिनसे शको शुबा की फ़िज़ा पैदा होती है या तासुब जाहिर होता है, तो आप क्या समझती हैं कि यह तसादुम का रास्ता है? ये तो हक का रास्ता है।
अभी आप भी अहले कलम हैं, अहले दानिश हैं, अहले खिर्द हैं, अगर अभी आपसे मैं भुट्टो के मुकदमे के मुतल्लिक पूछूंगा तो आप कहेंगी कि वो जुडिशल मर्डर था, तो जब आप उसको जुडिशल मर्डर कहेंगी तो आप क्या कर रही हैं, तसादुम कर रही हैं या तबसरा कर रही हैं ताकि आइंदा आने वाले वक्त में हक सच के साथ आगे बढ़ा जाए। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बारहा वो तमाम जो हैं लोगों के सामने ला रहे हैं जो इस पूरे फैसले के अंदर भी हैं और निज़ाम के अंदर भी हैं, और जिस चीज़ की वो इस्तदा कर रहे हैं वो ये है कि इस मुल्क को अब आइन और कानून के तहत चलना चाहिए और मुख्तलिफ यार्ड स्टिक्स नहीं अपनानी चाहिए मुख्तलिफ मुकदमात के लिए, हर एक को एक ही तराजू में तोलना चाहिए, मगर तराजू में तोलने का मतलब ये ओके फाइन ओके फाइन। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने पहले जो भुट्टो केस की बात की तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदालतों का सामना किया एंड ठीक है वो केस उसका फैसला जिस तरह से भी आया, उस वक्त जो माहरीन थे जो दानिश्वर थे वो कहते थे कि बिल्कुल सही फैसला आया है, बाद में तारीख ने साबित किया कि वो गलत फैसला था। तो इन नवाज शरीफ का केस भी लेट द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री डिसाइड ना, लेट द हिस्ट्री डिसाइड 10 15 20 25 50 सालों के बाद कि ये फैसला गलत था। आप लोग तो इस वक्त अदालतों को अपना काम करने दीजिए जो कि नहीं करने दिया जा रहा, रुकावट कहीं ना कहीं डाली जा रही है। उसूलों की बात जो कि तराजू की बात आपने की कि एक होना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने भी आज यही बात की कि जो उसूल उन पर लागू होगा वो सब पे लागू होगा। नवाज शरीफ साहब नून लीग जजों और जर्नैलों के एहतसाब की बात भी करते रहे, लेकिन कल जो बिल आया जजों और जर्नैलों के एहतसाब के हवाले से शक थी उसका हाल आपने सबके सामने देख लिया। तो फिर ये कहना क्या मायने रखता है नवाज शरीफ साहब का आज के जो उसूल मुझ पे होगा वो सब पे होगा, बिल की शक का हशर तो आपने देख लिया। देखिए पहली बात तो यह है कि क्या आप ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को फांसी चढ़ जाना चाहिए खामोशी से, और अगर जिस तरह जेआईटी का तरीक़ाकार था, चाहे उसकी रुकनियत से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे उसका तरीक़ाकार से ताल्लुक़ हो, चाहे उसकी रिपोर्ट से ताल्लुक़ हो, अगर फैसला डेढ़ साल रोज़ अदालत, पहले फ्रिवलस एक चीज़ को कहने के बाद फिर जमाली साहब की अदालत, उसके बाद खोसा साहब की अदालत, उसके बाद तीन रुकनी अदालत, उसके बाद जेआईटी, उसके बाद जेआईटी की रिपोर्ट, और उसके बाद इस बात पे आप उनको बरतरफ कर दें कि उनका इकामा जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स के साथ लगा हुआ था उस पर एक रकम है 10,000 धर्म की, यानी $3,000 के 3 लाख रुपये के करीब जो वो इनकम जाहिर उनको करनी चाहिए थी, और वो कह रहे थे कि मैंने ये पैसे नहीं लिए तो मैं इनकम कैसे जाहिर करूं। इस बात पे बरतरफ कर देना, अगर इस पे एतराज़ उठाना जो है आप समझती हैं कि ना हक है, तो आपकी क्या इस वक्त हमें हमारे लिए सजेशन है कि हम खामोशी से ओब्लिवियन में चले जाएं, खामोशी से बिल्कुल इस पे कोई बात ना करें और क्या करें? नहीं है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मैंने तो आपसे पूछने के लिए आपको जहमत दी है कि आप बताइए कि अब आप लोग आगे करने क्या जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब अब वतन वापस आ गए हैं, अब वो पाकिस्तान में रहेंगे, कल पेश होंगे पाकिस्तान में रहेंगे कल की पेशी के बाद या चले जाएंगे, आइंदा की उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है और नून लीग की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, जारहाना रवैया इख्तियार करना है, मुफाहमत करनी है आखिर, क्योंकि पंजाब हाउस में सुबह से मीटिंग्स चल रही हैं, तो डिसाइड क्या हुआ पॉलिटिकली? देखिए तमाम लोगों की नून लीग में मंजिल एक है, और मंजिल है जमहूरी सफर, और मंजिल है आइन की पासदारी, और मंजिल है लोगों का हक। रास्ता जो है उसके ऊपर हमारे बाज़ दफ़ा ओपिनियंस जो होते हैं उनमें डाइवर्सिटी होती है, बाज़ मरतबा बैठ के बात करने का वक्त होता है, बाज़ दफ़ा आवाज़ आवाम तक ले जाने का वक्त होता है, ये तमाम मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक है। अभी तक किसी ने ये बात नहीं की अभी तक कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है ये सही फैसला था। आप किसी लीगी रहनुमा से बात करके देख लीजिए, उनके बयान देख लें, कोई ये नहीं कह रहा कि ये फैसला बरहक है, लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं देखें ये तमाम बातें आप ज़रूर करें मगर ज़रा थोड़े टेम्परेचर को नीचे रख कर करें, और दूसरा ग्रुप जो है वो भी यही कह रहा है कि देखें हम अगर आवाम के हक़ की बात करें इससे टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, क्या आवाम से हक़ की बात करना, आइन की बात करना और किसी झोल को दिखाना, क्या ये तसादुम है, क्या इससे टेम्परेचर बढ़ता है? तो कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहता, सवाल सिर्फ ये है क्या इस गुफ्तगू से, अभी आपकी मेरी जो गुफ्तगू हो रही है क्या आप समझती हैं इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है? नहीं, मुझ पर तो आप ये बात ना डालें, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बयानात नून लीग की तरफ से आ रहे हैं। बहरहाल तर्जुमान वज़ीर आज़म साबिक और मौजूदा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शिकायत के हवाले से नवाज शरीफ साहब के एहतसाब और उनके प्रोटोकॉल के लेकर।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकवा है कि नैप की टीम ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों नहीं किया उनकी वापसी पे, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शिकवा है कि हुकूमत ने उन्हें शाहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया। नवाज शरीफ साहब आज जब वतन वापस आए तो तवक्को की जा रही थी कि नैप की टीम ने जो कल रसाई मांगी थी एयरपोर्ट तक, तो शायद उन्हें तैयारे से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उन्हें सेफ कस्टडी में ले लिया जाएगा। लेकिन आज सवेरे अचानक काया पलट गई, ऐसा ना हुआ। नैप की टीम को डीजी नैब ने हिदायत जारी कर दी कि उनके समन की तामील पंजाब हाउस जाके करवाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर शदीद नाराज है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब ने ट्वीट की, उनका कहना था कि नैब के ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और लगता है कि नए चेयरमैन नैब डिलीवर नहीं कर पाएंगे, कोई भी नई तब्दीली वो लेकर नहीं आएंगे। ये वही चेयरमैन नैब हैं जिन पर सेंटर सलीम मांडवीवाला साहब ने तनकीद की है, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही मंजूर किया है उनका नाम। उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान साहब को शदीद शिकवा है कि आखिर नवाज शरीफ साहब को शाहाना प्रोटोकॉल और वो भी अवाम के पैसे पर किस तरह से दिया गया। इमरान खान साहब का जवाब, उनकी ट्वीट का जवाब ख्वाजा सादरफीक साहब ने ट्वीट के जरिए दिया और कहा कि इमरान खान साहब आखिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों प्रोटोकॉल लेते हैं, वो उसका भी जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं वो कल से कुछ ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई जब शर्जील मेमन साहब, जिनको नैब ने गिरफ्तार कर लिया था, वो सिंध असेंबली में बड़ा तूफानी अंदाज में उन्होंने तकरीर की थी और नैब के दोहरे मयार को पॉइंट आउट किया था। क्या कहा था शर्जील मेमन साहब ने, जरा सुनिएगा एक बार फिर। और इसकी नैब की कोई मोहब्बत कहें, क्या कहें इसको, कानून में मियां साहब के साथ जो ट्रीटमेंट है नैब के कानून में और मेरे साथ जो नैब की ट्रीटमेंट है उसमें फर्क क्यों है? मैं किससे अपील करूं, कौन सा ऐसा फोरम है जहां पे मैं अपील करूं? नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली का, जिन पर रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, क्या उनके नाम ईसीएल पे है? क्या वही रेफरेंस के बाद इसहाक डार साहब मजे के साथ पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, पेशियों पे भी नहीं आ रहे, क्या उनके नाम ईसीएल पे है? तो ये दोगली पॉलिसी क्यों है? अगर मेरी कोई एक बात भी गलत हो तो मुझे फांसी पे लटका दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर इसी पॉइंट से अपनी बात का आगाज किया, फिर से नैप के दोहरे मयार पर तनकीद की। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाहाना प्रोटोकॉल के हकौल के हवाले से सवालात उठा दिए। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब, बहुत कैंप के लिए वक्त देने पर। इमरान खान साहब ने शदीद तनकीद की, बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट में उन्होंने तनकीद की कि आखिर शाहाना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है अवाम के पैसों पर, जिस पे ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी जवाब दे दिया ट्वीट के जरिए इमरान खान साहब पर तनकीद और चोट की कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में वो किस हैसियत में प्रोटोकॉल लेते हैं और सरकारी प्रोटोकॉल, क्या कहिएगा अली मोहम्मद खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अली मोहम्मद खान साहब, आपने सवाल सुन लिया मेरा? जी बिल्कुल जी, कहिए। सबसे पहले तो मैं जो ख्वाजा साद रफीक साहब की आपने बात की है उसके हवाले से मैं आपको कहूंगा, उनके जवाब में मैंने भी दो ट्वीट्स उनको की हैं, वो भी अगर आप चला सकते हैं तो चला दें। उनको मैंने यही कहा है कि ख्वाजा साहब, प्रोटोकॉल में और इंडस्ट्री सिक्योरिटी में फर्क होता है। हम सब तो यही चीज तो ख्वाजा साद रफीक साहब भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में फर्क होता है। मैं बात करता हूँ आप जरा सुन, ख्वाजा साद रफीक साहब, हम सबको इलम है दुनिया नवाज शरीफ साहब सादिक वजीर आजम है लेकिन ना अहल भी है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन ये जो 30-30, 40-40 गाड़ियों के जलाओं में ये 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की एक गाड़ियों के पीछे चलती है, ये किसके खाते में है? फिर जब वो आते हैं नेशनल टैक्स पेयर्स से जाके पंजाब हाउस में वो स्टे करते हैं, ये किसके खाते में है? अवाम जो है, क्या पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द बर्डन ऑफ हिज टैक्स ऑफ हिज केसेस ऑन देयर टैक्सेस? हम क्यों उनके केस उनके पैसे भरे? वो अरबपति आदमी है, आके मैरियट में पीसी में स्टे करें, आप यहाँ पे आके आप सीना में आप स्टे करें, आप सरकार के खर्चे से कैसे स्टे करते हैं? क्या ये सहूलत हर दूसरे मुलजिम को मिलती है? क्या पीपल्स पार्टी के साथ वज़ीरे आज़म को ये सहूलत मिली है? एक सवाल। दूसरा सवाल, ख्वाजा साद रफीक साहब, इमरान खान साहब की बातें तो आप बाद में करें, मुंह दो रखें,
मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आप शायद सन 70 से सियासत में हैं, ये जो एक खादन है इस मुल्क का ये सन 47 से सियासत में है। मेरे दादा ने मुल्क बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बिना के साथ, वजीर रहे, शुरा में रहे, और मैं अब 4.5 साल से एमएलए हूँ। मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, पिछले 75 साल से मेरे खानदान के मेरे असासे निकाले, एक एक रुपए का हम आपको साथ देंगे और बताएंगे कि हमारे कितने हजार एकड़ बड़ी है या कितने 100 एकड़ कम हुई है। तो आपसे भी मेरा सवाल है कि आप तो 70 के बाद जब आप सियासत में आपकी फैमिली आई है उस वक्त आपके पास क्या था और आज क्या है? इमरान खान की बात खाजा साहब रफीक साहब बाद में करें, पहले आप और मैं अगर अपना हिसाब किताब से देंगे एक बात। दूसरी बात यह है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी का शिकवा बजा है, मैं कोई शर्जील मोहन साहब की ना मिसाइल ले रहा हूँ ना उनके वो 767 करोड़ रुपए का जो हबनों पर इल्जाम है उसकी डिफेंस कर रहा हूँ, जिसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी चोरी किया है ना, मैं तो ये कहता हूँ उनको चाइना की तरह इजला बनाते हैं, उनको चौकों में लटकाते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं शरीफ फैमिली को, उससे वो कहते हैं कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट बी सीन टू बी डन, लगता नहीं है उस तरीके से किसी भी बड़े से बड़े आदमी ने जब भी किसी अदालत में गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली ने गलत डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अगर आप पीपल्स पार्टी की आज की तनकीद को एंडोर्स कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी खासतौर पर सेंटर सलीम मांडवी वाला साहब ने जो ट्वीट की है, चेयरमैन नैब को उन्होंने रगड़ा लगा दिया, उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब साहब जो नए हैं जस्टिस जावेद इकबाल, लगता नहीं कि वो कोई तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन यही जस्टिस जावेद इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर इत्तेफाक किया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस पर इत्तेफाक किया, तो आप लोगों को अब चेयरमैन नैब पर भी एतमाद नहीं है बावजूद इसके कि उसके नाम पे आप लोगों ने एग्री किया था? नहीं, हमने तो बदतमादी का इजहार नहीं किया। हाँ, हम तो ये अर्ज कर रहे हैं कि आप दोनों को एक बार और सबको एक बार जो है वो आप ट्रीट करें। ओके, क्योंकि अगर एक शख्स को आप प्रोटोकॉल देते हैं, एक शख्स को जो है आप गाड़ियों की जिलों में रुख्सत करते हैं, मुझे एक चीज बताएं, एक होती है झुकी छुपी बात, एक होती है खुली। ये जो मैडम मरियम नवाज है, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी मेरे भूमि की प्रॉपर्टी नहीं है? ठीक, क्या कोई शख्स जब कौन के सामने झूठ बोल रहा है, क्या वो किसी भी सूरत में लीडर बनने का हकदार है? ठीक है, क्या किसी भी सूरत में गलत बयानी करने वाला हकदार है? ठीक है, अदालत के अंदर गलत बयानी का मतलब क्या होता है, उसको कहते हैं पर्जरी, जिसकी सजा जेल है। ठीक है, उनके साथ बड़ी नरमी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। इस सेगमेंट का टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, प्रोग्राम छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब कल एहतसाब अदालत के सामने पेश होने जा रहे हैं, कल होगा क्या, फर्द जुर्म का स्टेटस क्या होगा, बात करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज की सबसे बड़ी खबर चूंकि यही रही कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए हैं, और वतन वापस वो आए हैं कल एहतसाब अदालत के सामने पेश होने के लिए, जहां दो रेफरेंसेस में ऑलरेडी उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, और तीसरे रेफरेंस में उनके जामिन के जरिए उनको नोटिस भी जारी हो चुका है। लेकिन आज की बड़ी डेवलपमेंट ये रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने नवाज शरीफ की वो दरख्वास्त मंजूर कर ली कि तीनों रेफरेंसेस को यकजा कर दिया जाए। इसी हवाले से प्रोग्राम में अब बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब कल जब एहतसाब अदालत के सामने पेश होंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है, क्या उन पे फर्दे जुर्म का स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? ये तीन रेफरेंसेस इकट्ठे करने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है, अब आगे की लीगल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसी हवाले से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात करेंगे। मेरे साथ मुल्क के मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर फरोख नसीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर फरोख नसीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की वो पिटीशन मंजूर कर ली है, जिसमें उन्होंने दरखास्त की कि तीनों रेफरेंसेस को इकट्ठा कर दिया जाए। अब पहले दो रेफरेंसेस में फर्दे जुर्म आयद हो चुकी थी, तीसरे रेफरेंस में जामिन को नोटिस जारी हो चुका था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद इन रेफरेंसेस की और फर्दे जुर्म की लीगल हैसियत, कानूनी हैसियत क्या रह जाती है फरोख नसीम साहब?
देखिए जो फर्द जुर्म था वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और इसलिए किया क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो एप्लीकेशन थी कि ये तमाम तीनों रेफरेंसेस को एक ज्वाइंट ट्रायल कंसोलिडेट होना चाहिए, एक साथ चलना चाहिए, उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस तो की थी लेकिन उसमें कोई स्पीकिंग ऑर्डर पास नहीं किया था। तो नतीजतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आज जो फैसला किया है वो ये किया है कि वो तमाम एप्लीकेशंस जो नवाज शरीफ साहब ने दी थी कि ट्रायल को कंसोलिडेट करना है तो उस कंसोलिडेशन की एप्लीकेशंस को दोबारा सुना जाए और दोबारा से इस पे एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाए और उसके बाद फिर चार्ज जो है वो दोबारा उस पर वो प्लीड गिल्टी या नॉट गिल्टी करेंगे। तो ये आज का स्टेटस तो ये है। ओके और आज के स्टेटस को सामने रखते हुए कल फिर क्या होगा? कल फिर गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती, कल सजा तो नहीं हो सकती, एक महज रस्मी कार्रवाई होगी, रस्मी कानूनी कार्रवाई के नवाज शरीफ साहब को पेश होना है लास्ट मंथ। देखिए पेश तो होना है क्योंकि क्रिमिनल लॉ का और क्रिमिनल ट्रायल्स का जो कानून है वो ये है कि जब तक अक्यूज पर्सन को अदालत जो है खुद एग्जेम्पशन ना दे और एग्जेम्पशन जो है उसका बाकायदा एक प्लॉजिबल कोई रीजन हो, कोई बीमार है या कोई कोई ऐसी वजह है कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं आ सकता, तो अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो एग्जेम्पशन नहीं है तो नवाज शरीफ साहब को तो पेश कर होना पड़ेगा। लेकिन जो ये एप्लीकेशंस थी सारी, वो एप्लीकेशंस थी कि इन ट्रायल इस ट्रायल को कंसोलिडेट होना चाहिए, तमाम रेफरेंसेस को कंसोलिडेट होना चाहिए तो उसकी सुनवाई दोबारा से होगी उस उन एप्लीकेशंस की जिसपे फिर बहस के बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। ठीक, और स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, कानूनी तौर पे क्या लिया जाएगा? स्पीकिंग ऑर्डर से मुराद उसमें रीजंस हो कि आइदर वे या तो वो एप्लीकेशन अलाउ होगी या रिजेक्ट होगी और दोनों सूरतों में अदालत को फिर रीजंस देने होंगे कि वो ऑर्डर क्यों अदालत ने पास किया है आइदर वे, उसको स्पीकिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो गोया अभी भी कानूनी तौर पे कोई बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को नहीं मिला क्योंकि अभी जब समाअत शुरू होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एहतसाब अदालत प्ली ले सकती है, अपनी कानूनी तौजीहात पेश कर सकती है और उसके बाद फर्द जुर्म बरकरार रह सकती है, या आगे ऑप्शन क्या होगा इसके बाद? लेकिन दो चीजें हो सकती हैं, या तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नवाज शरीफ साहब की एप्लीकेशन अगर अलाउ कर देगी तो फिर ये तमाम की तमाम जो नैब के रेफरेंसेज हैं वो कंसोलिडेट हो जाएंगे या क्लब हो जाएंगे तो फिर से दोबारा आप समझिए प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी वो करेंगे, यानी चार्ज फ्रेम होगा। दूसरा ये है कि ये एप्लीकेशनें दोबारा से जो सुनी जा रही हैं वो डिसमिस कर दी जाए और रीजंस दिए जाए जिसके बाद इसी तरह अलग अलग सब में दोबारा से चार्ज फ्रेम होगा, प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी किया जाएगा। तो आइदर वे कोई इस तरह का तो रिलीफ नहीं है कि कंप्लीटली कोई जान छूट गई हो, लेकिन लंबा थोड़ा सा, चलिए हफ्ते 10 दिन ज्यादा लंबा हो गया मामला, लेकिन टाइम बिल्कुल मौजूद नहीं है। 2-2.5 महीने तकरीबन पहले हो चुके हैं, 6 महीनों की डेडलाइन है, इसमें अगर इस किस्म की चीज सामने आती है तो क्या ये जो 6 महीनों का टाइम पीरियड है ये अचीव हो सकेगा, इसमें मजीद डिले हो सकता है? देखिए 6 महीने का जो टाइम है, एक तो वो कोई स्टैट्यूटरी टाइम नहीं है, वो टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से, वो टाइम मिला है। और अगर स्टैट्यूटरी भी टाइम होता है, जैसे बैंकिंग कोर्ट्स हैं, एहतसाब की कोर्टें हैं और कंपनी लॉ की कोर्ट्स हैं, उसके अंदर इस तरह की बात होती है कि विद इन 90 डेज फैसला हो जाए, तो उसमें अगर नॉर्मली नहीं होता तो अदालत उसको ये नहीं कहती कि चीज खत्म हो गई, बल्कि अदालत उसमें तौसी कर देती है, एक्सटेंशन मिल जाता है टाइम का, 6 महीने ही नहीं तो 8 महीने हो जाएंगे, तो उससे कोई ऐसा बुनियादी फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायल खत्म हो जाए। ठीक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आज का ये फैसला है, क्या इसके खिलाफ कोई अपील में जा सकता है या इस पे कोई हायर फोरम में जा सकता है, इस पे कोई पॉसिबिलिटी कोई प्रोबेबिलिटी है? जी हाँ, क्योंकि ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी। तो उसकी एक फर्दर अपील या CPLA या क्रिमिनल लॉ में है तो वो क्रिमिनल पिटिशन फॉर लीव टू अपील फाइल की जा सकती है, लेकिन वो स्टेट करेगी या नैब का इदारा करेगा, कर सकती हैं, लेकिन वो जब करनी चाहिए जब वो देखें कि वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अगर गलत है
तो फिर करें, लेकिन अगर वो फैसला सही है, जैसे फैसला ये कि स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, स्पीकिंग ऑर्डर तो बड़ा बुनियादी चीज है, वो तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को देना ही चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि शायद अपील नहीं करनी चाहिए इस ऑर्डर की। तो ये कानूनी खला छोड़ा था एहतसाब अदालत ने, ये डेलिबरेटली हो जाता है या इसके पीछे कोई मकसद नहीं होता? आप मुस्कुरा रहे हैं इसके पीछे। देखिए खला तो छूट गया, लेकिन ये कहना कि इंटेंशनल था ये मेरे ख्याल में नहीं कहा जा सकता। रोजाना हम सब इंसान हैं, जज भी इंसान है, गलती करते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम साहब। बहुत तफसील थे कि कल क्या होगा। कल रस्मी तौर पे नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत के सामने पेश तो हो जाएंगे, लेकिन फर्द जुर्म उनकी आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक तरह से सेट असाइड कर दी हैं, अलग कर दी हैं। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जब आगे इस केस की समाअत करेगी, तीनों रेफरेंसेज को यकजा करके एहतसाब अदालत वहां पर क्या स्टैंड लेती है, क्या स्टैंड लेती है, और उसके बाद देखा जाएगा कि नए सिरे से चार्ज होंगे, चार्जेस फ्रेम होंगे, या नए सिरे से फर्द जुर्म आयद होगी, या यही मौजूदा फर्द जुर्म कंटिन्यू करेगी। बहरहाल नवाज शरीफ साहब एक वक्ती रिलीफ लेने में कामयाब हो गए हैं, आगे क्या होगा वो कल के बाद सूरत हाल मजीद वासे हो जाएगी। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।